हे एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वीकेंड मैं अपने चैनल पे एक न्यू बुक समरी वीडियो अपलोड करता हूँ। उस समरी वीडियो के थ्रू मैं उस बुक के इम्पोर्टेंट लेसन और नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ, सो दैट उस लेसन को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को और भी ज्यादा इम्प्रूव और बेटर कर सको। अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आपके वीडियो देख के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इनफैक्ट आपके वीडियो से हमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो पॉजिटिविटी, वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है और हम फिर वापस से अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को फॉलो करने लगते हैं। वेल, सच तो ये है कि ये सिर्फ कुछ लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बहुत से लोग होते हैं जो अलग अलग वीडियो देखने के बाद बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक अपने उस मोटिवेशन लेवल को मेंटेन नहीं रख पाते, और ये प्रॉब्लम शायद आप भी फेस करते होंगे। देखो, ऑथर कहते हैं कि ऐसी कुछ सिंपल एक्टिविटीज होती है जिसे फॉलो करने से हम अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड और हैप्पी फील करते हैं। एक्टिविटी जैसे कि एकदम फ्रीली लाइफ जीना, मतलब कि अपने लाइफ के फ्रीडम को पूरी तरह से एंजॉय करके जीना, पास्ट और फ्यूचर का बिना सोचे प्रेजेंट को पूरी तरह से एंजॉय करके जीना, स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री लाइफ जीना, दूसरों को अप्रिशिएट और एनकरेज करना, और दूसरों की हर वक्त मदद करना। वेल, अब हम जानते हैं कि कौन सी एक्टिविटी हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड और हैप्पी फील कराती है, लेकिन यहाँ सवाल अब भी ये आता है कि अपने उस मोटिवेशन लेवल को मेंटेन कैसे रखें। वेल, इसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 3 इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करूंगा जिसे फॉलो करके आप खुद को हर सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रख सकोगे, आप खुद को हर वक्त बहुत ही ज्यादा खुश रख सकोगे, आप खुद हर सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा हैप्पी और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सोचोगे, और इस लेसन को फॉलो करके आप अपने लाइफ के हर एक गोल्स को पूरा करके एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। Moreover, जो थर्ड लेसन है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए उसे इजीली फॉलो करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही सिंपल इजी टेक्निक भी है जो मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए अगर आप उस इजी टेक्निक को मालूम करना चाहते हो तो मेरे आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो नाउ लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, बिलीव इन योर सेल्फ। देखो, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स और ड्रीम्स होते ही है। अब सच तो ये है कि आपके गोल्स और आपके ड्रीम्स एक बड़ा सोर्स होता है आपके मोटिवेशन का, इसलिए अपने गोल्स को हर वक्त विजुअलाइज करते रहा करो, और सिर्फ विजुअलाइज ही नहीं करो बल्कि खुद पे ये सेल्फ बिलीव और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रखो कि आप उस गोल्स को पूरा भी कर लोगे। अब खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज आपको हमेशा मोटिवेटेड फील कराएगी। आप हमेशा मोटिवेटेड फील तभी करोगे जब आप उस गोल से रिलेटेड अलग अलग एक्शंस लेते हुए पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचते रहोगे। क्योंकि देखो, अगर आप नेगेटिव सोचोगे, हर वक्त नेगेटिव थिंकिंग रखोगे, तो उस नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आपको किसी भी काम में पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। एग्जांपल, सपोज करो एक स्टूडेंट का कल एग्जाम है, लेकिन एग्जाम पे फोकस करने की जगह वो ये सोचता है कि उसका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, उसका पेपर हार्ड जाने वाला है, वो फेल हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर इसी नेगेटिव थॉट्स को रखते हुए वो अगले दिन पेपर देने के लिए जाता है। तो आप मुझे बताइए, क्या उसका पेपर अच्छा जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। देखो, हो सकता है आप अपनी गोल्स की जर्नी को अभी फॉलो कर रहे होगे, लेकिन शायद आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा जो आपने एक्सपेक्ट किए होगे, और शायद ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट फील करा रही होगी। इसलिए ऐसे टाइम पे डीमोटिवेट फील करने की जगह आप हमेशा पॉजिटिव आउटकम को विजुअलाइज करो। आप ये सोचो कि अगर आप अपनी इस गोल्स की जर्नी को कंटिन्यूसली फॉलो करोगे तो कुछ टाइम के बाद, सपोज करो 10 साल के बाद, जो आपको उससे रिजल्ट मिलेगा वो कितना ज्यादा ह्यूज और बिग होगा। आई नो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और इस पे कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली फॉलो करोगे तो इससे आपके बिहेवियर में चेंज आने लगेगा, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होने लगेगी, आप नेगेटिव थॉट्स को खुद से दूर करने लगोगे, और फिर जिसकी वजह से आप अपने हर एक गोल्स को इजिली टाइम पे पूरा कर सकोगे। लेसन नंबर 2, एटीट्यूड डिटर्मिनेशन। देखो, आपका जो एटीट्यूड होता है ना, वो आपकी एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। हर जन की लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं, लेकिन उस सिचुएशन को आप किस वे में हैंडल करते हो ये आपके थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके एक्शन डिटरमाइन करते हैं, और आपके थॉट्स एक्चुअली में आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। इसलिए अगर आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करना होगा। एग्जाम्पल, सपोज करो आप एक इंटरव्यू में जाते हो जिसमें आप रिजेक्ट हो जाते हो। अब अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव होगा तो आप उस रिजेक्शन को नेगेटिव वे में हैंडल करोगे, अलग अलग एक्सक्यूज देके कि लोग पार्शियलिटी करते हैं, वो लोग मेरी कदर नहीं करते हैं, मेरी लकी खराब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो आप उस रिजेक्शन को भी पॉजिटिवली एक्सेप्ट करोगे, आप उस इंटरव्यू में की गई मिस्टेक से लेसन सीखोगे, सो दैट फ्यूचर इंटरव्यू में आप उस मिस्टेक को वापस से रिपीट ना करो।
फ्रेंकली कहूँ तो एटीट्यूड मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, जिसके ऊपर मैंने अपने चैनल पे बहुत से वीडियोस बना चुका हूँ और जिसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए स्पेशली अगर आप अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ऊपर निकलते आई बटन पे क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट के वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। लेसन नंबर 3, अवॉइड स्ट्रेस एंड टेंशन बाय लिविंग इन प्रेजेंट। गौतम बुद्ध का एक बहुत ही फेमस कोट है, चिंता चिता के समान है। देखो फ्रेंकली देखा जाए तो हमें स्ट्रेस और टेंशन तभी आता है जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, स्पेशली जब हम किसी पास्ट की मेमोरीज या फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। अब देखो जब आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन लेने लगते हो तो ऐसे टाइम पे आप बहुत सी डिजीज को खुद की लाइफ में इन्विटेशन देते रहते हो, डिजीज जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक एक्सेट्रा। मोर ओवर स्ट्रेस और टेंशन की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है और आपकी लाइफ में भी हैप्पीनेस रिड्यूस होने लगती है। इसलिए खुद को हर वक्त खुश रखने के लिए बिना पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचे हमेशा अपने प्रेजेंट पे रह के उसे पूरी तरह से एंजॉय करना सीखो। देखो पास्ट मेमोरीज के बारे में सोचकर कुछ मतलब नहीं है क्योंकि उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, और अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच ही रहे हो तो हमेशा उससे रिलेटेड पॉजिटिव सोचो। ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड और बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील कराएगी। अब स्ट्रेस और टेंशन को दूर करने के बहुत से तरीके होते हैं जो मैंने अपने इस वीडियो में शेयर किया हो, जो बेसिकली एक बहुत ही फेमस बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग की समरी है। इसलिए अगर आप इजीली अपने स्ट्रेस और टेंशन को दूर करना चाहते हो तो आपको मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। ऊपर निकलते आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। सो टू कंक्लूड, ये इंपॉर्टेंट लेसन मैंने आपको एक बहुत ही अमेजिंग बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग से बताया हो। अगर आपको ये लेसन यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और कॉन्टेक्ट लिस्ट में सभी के साथ शेयर करें, सो दैट वो सभी भी इस लेसन को फॉलो करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करके अपनी लाइफ को और भी ज्यादा बेटर बना सके। और अगर आप ये सभी लेसन को और भी ज्यादा डेप्थ में सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अप टू एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि फ्यूचर में आप कौन सी टॉपिक और बुक समरी वीडियो देखना चाहते हो। सेल्फ एजुकेशन और रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है। मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।